बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई वो है स्वीट रेसिपी बनाने का तरीका। ये मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं, सबके फेवरेट, सबकी पसंद की डिशेज होती है, तो इसे बनाना बहुत ही आसान तरीके से बताया है मैंने। बिल्कुल मार्केट जैसे गुलाब जामुन घर पे बनाइए, इसके अंदर कुछ भी केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किया गया है, बहुत ही आसानी से बनाए गए हैं। देखिए माशाल्लाह कितने दानेदार हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार हुआ है। तो इसे बनाने के लिए ये मैंने खोया लिया है, मावा लिया है, तकरीबन मैंने इसे 250 ग्राम के ऊपर ही मावा लिया है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से इस तरह से कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो इसकी चिपास है वो ख़त्म हो जाए। तो हम इसको अच्छे से, इसके ऊपर हल्का आपको घी लगाना है या फिर ऑयल लगाना है ताकि इसकी चिपास थोड़ी कम हो जाए। और अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से इनके बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स हमें छोटे बड़े जो भी आप अपने साइज़ से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसके बॉल्स बनाऊंगी। ये देखिए हमें सारे बॉल्स इसी तरीके से बनाने हैं, छोटे बड़े जो भी आप बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है। तो हमारे बॉल्स बन चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर 2 कप मतलब 1 बड़ा प्याला चीनी ली है, चीनी को इसके अंदर ऐड किया है। इसी मेजरमेंट से मैंने चीनी ली है और 1 गिलास पानी ऐड किया है और 2 इलायची ऐड करेंगे। हमारे बॉल्स बन चुके हैं। आप चाहे तो घी में या ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, मैंने ऑयल में फ्राई करके बता रही हूँ। तो इस कढ़ाई में हम इस गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। हमें एक साथ में ऐड नहीं करना है क्योंकि हमारी कढ़ाई भी थोड़ी छोटी थी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़े थोड़े ही ऐड करने हैं क्योंकि ये थोड़े फूलेंगे तो बड़े होने लगेंगे और आप इसमें कम ही ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए इसमें बनाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने कढ़ाई को भी थोड़ा इस तरीके से मैंने चेंज कर लिया है कढ़ाई को। तो गैस को लो फ्लेम पर कर देना है ताकि ये जले नहीं, और इनको इस तरीके से हिलाते रहना है। मैंने कढ़ाई को चेंज किया है क्योंकि वो कढ़ाई थोड़ी छोटी थी, उसमें चेंज पलटने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इस तरीके से हिलाते रहे, अगर आप इसे इस तरीके से छोड़ देंगे तो ये चिपकने लगेंगे और जल जाएंगे। तो हमें इनको जलाना नहीं है, इनको एकदम स्वादिष्ट तरीके से हलवा स्टाइल बनाना है। तो ये देखिए अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे, फिर दूसरे भी इसी तरीके से हमें फ्राई करने हैं। ये देखिए माशाल्लाह हलवाई जैसे गुलाब जामुन बन के तैयार हो रहे हैं। तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगा। गुलाब जामुन वगैरह मिठाई स्वीट किसको पसंद नहीं होता है, सभी को पसंद होता है। तो ये देखिए मैंने दूसरी दफ़ा भी इसी तरीके से इनको फ्राई करूँगी। अगर आप थोड़े ज़्यादा फ्राई करेंगे तो जो डार्क कलर के गुलाब जामुन होते हैं वो वाले बन के तैयार हुए हैं। अब आप देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज होगा, तो गुलाब जामुन तकरीबन 3 कलर के आते हैं। एक ज़्यादा एकदम काले वाले आते हैं, एक थोड़े हल्के वाले आते हैं, और एक ये ऑरेंज टाइप के इस तरीके के गुलाब जामुन आते हैं। तो ये देखिए हिलाते रहना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, छोड़ते ये जलने लगेंगे ताकि फिर इनका टेस्ट भी अलग हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से इनको हिलाते रहेंगे, गैस को लो फ्लेम पर रखना है, तेज़ आँच पर इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए ये भी कलर चेंज होने लगे हैं। तो ये देखिए जो मैंने आपको पहले बताए थे वो थोड़े डार्क थे, अब ये वाले हम थोड़े ऐसे ही कलर में रखेंगे ताकि लगे चले कि बहुत आसानी से 2 कलर के हम गुलाब जामुन बना सकते हैं। हम इनको ज़्यादा डार्क वाले नहीं बनाएंगे। तो ये गुलाब जामुन हमारे इतने टेस्टी बने थे कि सब ने बहुत ही बड़े चाव से खाया था। तो आप ये रेसिपी एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ भी इसके अंदर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना केवड़ा, कुछ भी इसके अंदर मैंने यूज़ नहीं किया है, और मार्केट जैसे ही बने थे ये। देखिए फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें भी निकाल देंगे, और जो हमने दूसरे हमारे पास थोड़े बहुत और हैं वो भी ऐड कर लेंगे, और चाशनी गर्म है इन्हीं के अंदर अभी हम ये गुलाब जामुन ऐड कर देंगे।
तो देखिए एकदम सॉफ्ट थे ये गुलाब जामुन, कड़े नहीं थे वो, एक एकदम कड़े हो जाते हैं, एकदम नहीं थे ये, एकदम मुलायम गुलाब जामुन थे हमारे। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। आप इसे फ्रीज में ढककर रख दें 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये ठंडे ठंडे हो जाए और सबको बहुत स्वादिष्ट लगे। तो ये देखिए हमारी गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए हैं, एकदम मार्केट जैसे गुलाब जामुन। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी कुछ वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।